बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। जो है बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलें इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले तो जो चीज़ इसमें बताई जाती है बेटा वो इस वर्ड का मीनिंग है। देखें यहाँ पर ये जो वर्ड एंडो है इसका मतलब होता है इनसाइड। क्या मतलब होता है? इनसाइड, ठीक हो गया। और ये जो वर्ड इसके अंदर प्लाज्मिक का इस्तेमाल हुआ है, बेसिकली इसका मीनिंग होता है साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया, साइटोप्लाज्म। और ये जो नेटवर्क का वर्ड इस्तेमाल हुआ ना बेटा रेटिकुलम, इसका मतलब होता है नेटवर्क। असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है जो कि स्टार्ट होता है न्यूक्लियर एनवेलप से। कहां से ये शुरू होता है? ये न्यूक्लियर एनवेलप से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक साइड के ऊपर यह न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होता है और दूसरी साइड के ऊपर यह कनेक्ट होता है सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अपने इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। तो ये तो छोटा सा था इंट्रोडक्शन। अब बेसिकली हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे बेटा कि ये अपना स्ट्रक्चर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैसे होता है। चले इसको देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आप देख रहे हो बेटा, एक साइड के ऊपर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि यहां पर देखें आपके सामने जो है वो न्यूक्लियस भी लेबल है बेटा, ठीक है ना। ये देखें आपके सामने जो है ये न्यूक्लियस लेबल है और ये न्यूक्लियर एनवेलप, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि एक साइड के ऊपर ये न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होता है। आपको ये वाला जो फॉर्म जो दिखाई दे रही है बेटा, ये जो है ये कहलाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होता है। आपको ये ग्रेनुलर फॉर्म के अंदर जो है ये आपको जो है बेटा ये राइबोसोम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। तो दैट्स व्हाई इसको जो है बेटा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER भी कहा जाता है। जबकि ये वाली जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है जो सेल मेम्ब्रेन वाली साइड पर होती है, ये बात आपने याद रखनी है, न्यूक्लियर एनवेलप वाली साइड के ऊपर जो है बेटा वो जो राइबोसोम जो है बेटा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिनके ऊपर राइबोसोम होता है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन वाली साइड होती है उस साइड के ऊपर बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ ये इस वजह से क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप ये देखें ना तो आपको ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ऐसी बहुत सारी मेम्ब्रेन की लेयर्स इसके अंदर मौजूद है। ये जो मेम्ब्रेन है बेटा इसको कहा जाता है सिस्टर्नी। इसको क्या कहेंगे? इसको सिस्टर्नी जो है बेटा वो कहा जाता है, ठीक हो गया। ये बहुत सारे सिस्टर्नी के स्टैक्स होते हैं जिनके ऊपर ये मुश्तमिल होती है, ठीक हो गया। चले मैं अब आगे मूव कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा, ये जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये टू फॉर्म्स के अंदर होता है, रफ फॉर्म के अंदर होता है, स्मूथ फॉर्म के अंदर होता है। और स्मूथ फॉर्म के अंदर जो है बेटा ये जो है ये राइबोसोम जो है वो एब्सेंट होते हैं। सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज जो है बेटा जो रफ एंडोप्लाज्मिक या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से आते हैं वो इनके फंक्शंस में से आते हैं, ठीक है ना। तो चले इसके फंक्शन जो है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जो RER है ना, RER क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं तो दैट्स व्हाई इसका मेजर फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। कि ये क्या करती है? प्रोटीन को प्रिपेयर करती है और जब तक प्रोटीन इसके अंदर मौजूद रहती है कुछ देर तक प्रोटीन को स्टोर भी करती है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शन है वो SER के हैं, जो MCQs के लिहाज से खासे इंपोर्टेंट है। देखें जब मैं बात करता हूं ना SER की, तो यहां पर एक फंक्शन लिखा हुआ है मेटाबोलिज्म ऑफ लिपिड। कि ये जो SER होती है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है। बच्चा अक्सर हमसे सवाल पूछता है कि सर ये मेटाबॉलिज्म में यहां पर इससे मुराद कैटाबॉलिज्म है कि एनाबॉलिज्म है? तो मैं आपको बात बता दूं। देखो बेटा, यहां पर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों की बात हो रही है, क्योंकि वर्ड इस्तेमाल हुआ है मेटाबॉलिज्म का। तो यहां फैट की कैटाबॉलिज्म भी शामिल होती है और एनाबॉलिज्म भी शामिल होती है। बात क्लियर होगी आपको? अच्छा, अब बाज़ुकात ऐसा होता कि इसी सिंपल लाइन की फॉर्म में एमसीक्यूज नहीं आता, बाज़ुकात इसको थोड़ा सा जो है बेटा वो मोल्ड किया जाता है। अब देखें क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी SER इज मोर अबंडेंट। तो आप देखें अब कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं आपको वो जानना होंगे कि जिनके अंदर जो है वो SER मोर अबंडेंट हो सकती है। अब लिपिड मेटाबोलिज्म जिन जिन ऑर्गेनाइल्स में होता है, देखिए कुछ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, कुछ हार्मोन्स इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम जानने लें तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा। चलें इसको जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है वो आपको समझाता हूं। देखें अब मैं बात कर रहा था कि कुछ जो हार्मोन्स है ना, जो लिपिड नेचर के हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स ठीक है ना, ये जो स्टीराइड होता है ना, स्टीराइड ये भी लिपिड इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे जो सेक्स हार्मोन्स है,
ठीक है ना बेटा। तो ये सारे लिपिड इन नेचर होते हैं और उसको प्रिपेयर करने में SER की खासी इन्वॉल्वमेंट होती है। मसलन आप टेस्टोस्टेरोन को देख लें, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक हो गया। इसी तरह एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये जो है बेटा वो टेस्टिस के अंदर प्रिपेयर होते हैं और आप ये जानते हो कि ये ओवरी में प्रिपेयर होता है, ओवरी रिलीज करती है। तो इन ऑर्गन्स में SER जो है बेटा वो अबंडेंट होगा, ये बात आप याद रख सकते हो, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप जो है बेटा मैं जो है और आपको अगर बात बताऊं, देखें देखो बेटा यहां पर अगर हम बात करें, एक और फंक्शन लिखा हुआ है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होते हैं, कहते हैं कि बेटा कुछ मेडिसन जो होते हैं ना वो पेरेंट फॉर्म में टॉक्सिक होती है, तो वो क्या होता है कि लीवर में जब वो जाती है तो वो ब्रेक होती है और अपने डॉटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो डॉटर मॉलिक्यूल होता है वो लेस टॉक्सिक होता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, से आपने पढ़ा था अमोनिया, अमोनिया लीवर जो है वो उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में, ऐसे ही होता है ना कि अमोनिया को जो है वो यूरिया में, आप जानते हो कि अमोनिया मोर टॉक्सिक है और यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है। तो ये एक डिटॉक्सिफिकेशन की एग्जांपल है और ये फंक्शन लीवर में होता है, तो यहां से हमें आइडिया हो जाता है कि SER लीवर में भी अबंडेंट होती है। दूसरा, क्योंकि लीवर जो है वो हमारा मेटाबॉलिक स्टेशन है और मेटाबॉलिज्म के लिए जितने एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं वो भी SER ही प्रोवाइड करता है। तो अब हमें ये दो थोड़ा सा आइडिया होने लगा है कि जनाब वो तमाम ऑर्गन्स जहां पर लिपिड बेस्ड हार्मोन प्रिपेयर होते हैं वहां पे भी, और जो मेटाबॉलिज्म या डिटॉक्सिफिकेशन में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वहां पर भी SER जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनली होती है, सबसे ज्यादा जो है ये पाई जाती है। फिर उसके बाद बेटा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखा हुआ कि SER इन मसल सेल एंड नर्व सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ये क्या फंक्शन है, ये किस तरीके से होता है बेटा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखें जब हम बात करते हैं SER की, तो अभी ये बात हुआ कि देखें बेटा ये SER जो होता है ना ये मसल्स के अंदर, किसके अंदर, मसल्स के अंदर ये थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में होती है, दैट विल बी अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में, ठीक है ना, मसल्स में ये थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है और यहां पर ये कैल्शियम आयन को स्टोर करती है। क्या करती है, कैल्शियम आयन को स्टोर करती है, ये बात आपने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में पढ़ी हुई है। अब ये जो कैल्शियम आयन है ना बेटा, कैल्शियम आयन ये नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होता है। जब मैं आपको साइनेप्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो तब मैं इसका रोल आपको बताऊंगा। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन करती है साइनेप्स में, साइनेप्टिक वेसिकल्स कैल्शियम आयन के बगैर ब्रेक नहीं होते, तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा ये आप जानते हो ये मसल कंट्रेक्शन में भी इन्वॉल्व होगी, इसके बगैर मसल एक्टिवेट ही नहीं होता। एक्टिन जो है ट्रोपोनिन के साथ जब तक ये अटैच नहीं होता, ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस नहीं होती, एक्टिन के जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज नहीं होती, ये बात आपने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में पढ़ी होगी। तो मसल कंट्रेक्शन के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में जो है वो यहां पर इसकी इन्वॉल्वमेंट है। ये जो है बेटा वो SER के मेन फंक्शंस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बेटा एक और बात बताता हूं, ये जो RER है ना, RER और SER है, इसके कुछ फंक्शंस कॉमन भी हैं, ये भी बात आ जाती है। इन दोनों के कुछ फंक्शंस कॉमन भी है, दो फंक्शन है बेटा जो इनके कॉमन होते हैं। वो पहला फंक्शन तो है मैकेनिकल सपोर्ट, ये कॉमन फंक्शन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये कॉमन फंक्शन है, ये दोनों का ही है, RER का भी है और ऐसे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक साइड के ऊपर ये न्यूक्लियर एनवेलप से और दूसरे साइड के ऊपर सेल मेम्ब्रेन से जो है बेटा वो अटैच है, तो दोनों साइड से ये जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नंबर दो, कुछ हद तक इनके इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट सेल ट्रांसपोर्टेशन में होती है, कि सेल के अंदर या सेल के बाहर को चीजें जो मूव कर रही होती हैं उनके अंदर इन दोनों की जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। जो प्रोटीन RER में बनती है, RER से फिर वो SER में जाती है, तो दोनों का कहीं हद तक जो है बेटा वो ट्रांसपोर्टेशन में भी किरदार है। तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं जो SER और RER के जो है बेटा वो कॉमन है। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जितने MCQs के पॉइंट थे कोशिश किया कि उनको हमने डिस्कस किया है, हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनेली स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है ना वो है राइबोसोम, वो कौन सी है, वो है राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होती है ना ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, ये वो पहली ऑर्गेनेली है जो नॉन मेम्ब्रेनस होती है, क्योंकि ये ना छोटा सा ग्रैन्यूल होता है, देखो ना दिखाई दे रहे हैं आपको ये, इसके अंदर ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल होते हैं, ग्रैन्यूल बॉडी होती है, तो इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जबकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने पढ़ा है ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है, और आपको बता दूं उसकी जो मेम्ब्रेन थी उसको हमने सिस्टर्नी बोला था।
तो इसकी डिस्कवरी भी आपको याद करनी है बेटा कि प्लेडन ने इसको डिस्कवर किया था और 1955 के अंदर ये डिस्कवर हुआ था। ठीक हो गया, चलें कुछ और बेसिक बातें जो है वो अब हम इसकी डिस्कस करते हैं। देखें ये जो राइबोसोम होता है बेटा, इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है स्मॉल सब यूनिट और एक होता है, ये आपको लेबल भी किया हुआ है, स्मॉल सब यूनिट और इट विल बी अ लार्ज सब यूनिट। और इन दोनों की अटैचमेंट को कंट्रोल करता है मैग्नीशियम आयन। कौन कंट्रोल करेगा? मैग्नीशियम आयन जो होता है, ये दोनों सब यूनिट की जो है बेटा इसको वो कंट्रोल करता है। ठीक हो गया, आपको अगर मेरा जो है बेटा वो दूसरा जो लेक्चर है वो अगर याद हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोक्रियोट्स में और यूक्रियोट्स के अंदर राइबोसोम्स कैसे होते हैं। मैंने आपको कहा था कि प्रोक्रियोट में ये 70S का होता है जबकि यूक्रियोट में ये 80S का होता है लार्ज नंबर। और ये कैसे बनता है? ये 30S प्लस 50S के मिलने से बनता है, और ये जो है बेटा वो 40S और 60S के मिलने से बनता है। रीजन मैंने बताई थी कि 10Q कम हो गया, कि जब ये दोनों एक दूसरे में मर्ज होते हैं तो बेटा कुछ हद तक इनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब ये जो राइबोसोम होता है ना बेटा, राइबोसोम होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये दो फॉर्म्स के, टू फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है ये बेटा। ये जो है ना राइबोसोम, अगर आप इसको देखो ना तो ये टू फॉर्म्स के अंदर है, ये फ्री भी है और बाउंड भी है। फ्री भी है, फ्री जो है ना बेटा ये डिस्पर्स होता है, कहां पर डिस्पर्स होता है? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। जबकि जो जो बाउंड है आप जानते हो कि अभी हमने पढ़ा है कि वो आरईआर के साथ बाउंड होता है। दो तरह का राइबोसोम होता है, एक फ्री राइबोसोम होता है जो डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म में, और दूसरा बाउंड होता है जो आरईआर के साथ जो है बेटा वो अटैच होता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। आगे चल के मैं जब इनका फंक्शन आपको बताऊंगा बेटा, इनके फंक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो फ्री और बाउंड राइबोसोम है, क्या इनके फंक्शन में कोई फर्क होता है? बिल्कुल। देखो बेटा, दोनों तरह के राइबोसोम बनाते तो प्रोटीन है, ये बात तो कॉमन है, दोनों ने बनानी, इट इज अ फैक्ट्री टू प्रिपेयर द प्रोटीन, दोनों ने प्रोटीन बनानी है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जो फ्री जो राइबोसोम है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है वो प्रोटीन बनाएगा जो यूजुअली सेल के अंदर ही इस्तेमाल हो जाते हैं, जो सेल को खुद अपने लिए चाहिए प्रोटीन वो जो है बेटा वो बनानी है, जो है बेटा वो साइटोप्लाज्म में जो डिस्पर्स राइबोसोम है उसने। जबकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो प्रोटीन उसको सेल से बाहर जो है बेटा वो ट्रांसपोर्ट करनी है, मोस्टली वो प्रोटीन जो है वो बाउंड जो राइबोसोम होता है वो उसको प्रिपेयर करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्रोक्रियाट और यूक्रियाट वाली बात जो है बेटा वो मैं अब कर चुका हूं। सिंथेसिस वाली बात जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस वाली बात पर मैं आ जाता हूं। देखो बेटा, ये जो यूक्रियाट होता है ना, यूक्रियाट, यूक्रियाट्स जो होते हैं, इसके अंदर जो है बेटा ये राइबोसोम जो है बेटा न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। किसमें बनते हैं? ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं। ठीक है, बात याद रखिएगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं प्रोक्रियोट की, क्योंकि बेटा प्रोक्रियोट में तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस होता ही नहीं, तो ये उसमें बनेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है कि बेटा यूक्रियोट में ये न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस फैक्ट्री है टू मेक द राइबोसोम। इसी तरह प्रोक्रियोट में जो है, क्योंकि न्यूक्लियोलस नहीं होता तो वहां पर ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो है बेटा ये बन जाते हैं। चलें उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो है बेटा वो इसकी कंपोजिशन। अब अगर आप इसकी कंपोजिशन को देखें ना, तो ये 50-50% जो है बेटा ये बनाते हैं, 50% इसमें प्रोटीन होती है और 50% इसके अंदर आरएनए होता है। और आरएनए की टाइम में बता दूं, इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है, नियर अबाउट 50% इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है और 50% इसमें प्रोटीन होती है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं, ये प्रोटीन मोस्टली साइटोप्लाज्म में प्रिपेयर होती है, साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन प्रिपेयर होती है, न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करके ये न्यूक्लियोलस में आती है। और न्यूक्लियोलस के अंदर जो है बेटा आप जानते हो ना, तीन तरह के आरएनए आपके पास जो है बेटा, राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए है, आपके पास टीआरएनए है। ठीक हो गया, ये तीन तरह के आरएनए। इसमें जो राइबोसोमल आरएनए ना, ये बनता है न्यूक्लियोलस में। ये किसमें बनता है? ये न्यूक्लियोलस में बनता है। और जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म से बनकर आई होती है वो इसके साथ आकर न्यूक्लियोलस में असेंबल हो। देखें, आपने वर्ड पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोलस असेंबल्ड राइबोसोम, उसका मतलब यही है कि जो प्रोटीन आती है, जो प्रिपेयर उसने खुद से राइबोसोमल आरएनए किया, कि उसको साथ वो मिला देगा।
बहरहाल राइबोसोम इन दोनों के मिलने से क्योंकि बनता है और इन दोनों की अटैचमेंट न्यूक्लोलस में होती है, तो डैट्स वे आप यही कहते हो कि जो राइबोसोम होते हैं वो न्यूक्लोलस में ही बनते हैं। लेकिन अगर इसकी प्रोटीन की बात करें तो वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म से बनकर आती है, राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लोलस में ही कंस्ट्रक्ट होता है, फिर ये दोनों असेंबल्ड भी न्यूक्लोलस में होते हैं। ठीक हो गया, तो ये बात आपको जो है टेक्निकल थी, ये आपको समझने की जरूरत है। बाकी ये जो दो टाइप के आरएनए है बेटा, एमआरएनए और टीआरएनए, ये न्यूक्लोलस में नहीं बनते, ये बनते हैं न्यूक्लोप्लाज्म के अंदर। ये बात आपको जो है बेटा लाजमी तौर पर याद रखनी है। ठीक हो गया, ये वो बातें थी, सारी टेक्निकल बातें थी बेटा जो कि हमने राइबोसोम के बारे में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करनी थी। यहां पर हमारा ये जो लेक्चर है बेटा ये वाइंड अप होता है। आपके जहन में अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप उसे जरूर पूछें, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप वैसे भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जब मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा तो वहां पर भी आप मुझसे क्वेश्चन सेशन में जो है बेटा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।